यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में पासकी नगर पंचायत महुआ डाबरा के पास। 25 नवंबर सन 1980 को गन्ना आंदोलन में क्षेत्र के दो किसान नेता चौधरी हर्षरूप सिंह व कामरेड करण सिंह शहीद हो गए थे। उनकी 41वीं वर्षी पर 25 नवंबर को यहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी पहुंचेंगे। अब मैं वार्ता करता हूं, मेरे सामने मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी और गन्ना आंदोलन में शहीद हुए चौधरी हर्षरूप सिंह के बड़े सुपुत्र श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी। तो इन लोगों से वार्ता करते हैं कि क्या कार्यक्रम है। तो सहोता जी बताइए कि ये 25 नवंबर को जो गन्ना आंदोलन में शहीद हुए किसान नेता चौधरी हर्षरूप सिंह व कामरेड करण सिंह की जो 41वीं वर्षी 25 नवंबर को आयोजित की जाएगी, तो ये क्या कार्यक्रम है इस बार बताइए। अब क्या मनाते तो हर साल ही हैं बरसी, जब से हमारे किसान नेता शहीद हुए हैं जब से ही उनकी बरसी मनाई जाती है। अब का जो कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि इसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी इस जो श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे किसान शहीद हुए थे। और इसमें जो समस्या पूरे देश के अंदर चल रही हैं और उन पर जो तीनों कानून रद्द कराने का, MSP पे गारंटी कानून बनाने का, और कुछ हमारे जो किसान जो शहीद हुए हैं पूरे देश के जितने भी आंदोलन हुए हैं और उन्हें शहीदी का दर्जा केंद्र सरकार दे और उनके परिवार को पेंशन दे, ये तो मांग हमारी ये रहेगी। और बिजली और उत्तराखंड सरकार से यह मांग रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड की धरती में शहीद हुए हैं किसान। उस टाइम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, तो हम जो उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं तो उत्तराखंड बना है। अब इस प्रदेश का जिम्मेदारी बनती है कि उन किसानों को जो हमारे शहीद हुए हैं उन्हें शहीदी का दर्जा दे और उनके परिवार को पेंशन के जो मिलनी चाहिए जो शहीद हुए किसान। और हमारे उत्तराखंड से और भी मांगे हैं, जैसे किसानों की बहुत सारी परेशानियाँ हैं, क्योंकि किसान जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है वो बिल ट्यूबलों के नहीं दे पा रहा बिजली के, तो वो बिजली फ्री होनी चाहिए। MSP पे हमारा पूरा धान या गेहूं नहीं बिकता और वो MSP की गारंटी कानून भी यानी बनना चाहिए। ये प्रस्ताव पास उत्तराखंड सरकार करेगी, पूरी इसकी जिम्मेदारी लेगी, फसल को बेच पूरा खरीदे और किसानों को पैसा दे। और फिर अभी तक प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट घोषित नहीं करा। गन्ने का रेट 450 रुपये होना चाहिए, क्योंकि पेप्सी सेट के दाम, डीजल के दाम कितने बढ़ गए हैं और हमारे पैलीमेंटों के दाम कितने बढ़ गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है। तो गन्ने का हमारे कई वर्षों से रेट नहीं बढ़ाया, और बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ाते हैं जो कि ऊँट के मुँह में जीरा। तो 450 रुपये से कम रेट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी बहुत सारी मांगे हैं, तो ये यहाँ महापंचायत में उठेंगी। और हमें उम्मीद है कि यहाँ जो क्षेत्र वालों का जो इन शहीदों की बरसी होगी उनके परिवार तो रहने ही हैं, तो बाकी जो हमारे क्षेत्र का किसान है उसका भी भला होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। सरकारों को बात माननी पड़ेगी, हमारी जो सच्चाई है जो हम मांग करते हैं वो सच्चाई होती है उसमें, और सरकार को इस चीज़ को मंजूर करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सच्चाई की लड़ाई होती है वो जीत की तरफ होती है। और जो है सरकार ने अभी तक कई चीज़ों में काम नहीं करा है, तो ख्याल नहीं करा है, तो किसान उपेक्षित हो रहा है। तो इसलिए हमारी जो जोर शोर से तैयारी चल पड़ी, आज से ही समझ लो तैयारी चल पड़ी। कल कार्यक्रम शाम कन्फर्म हुआ है माननीय अध्यक्ष जी का, तो पूरे क्षेत्र में अभी जो है हमारी मीटिंगें चलेंगी और प्रचार चलेगा, और किसान खुद ब खुद आएगा। किसान का तो ऑलरेडी जागरूकता है, इस टाइम किसान जागा हुआ है और उनकी समस्या भी बहुत है। किसान
जाकर पता चलना चाहिए, ये आपके मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी हो जाएगी तो जहाँ बहुत बड़ी पंचायत होगी। अच्छा, जो ये जसपुर के पास की नगर पंचायत मोहड़ावरा है, जहाँ जो इन दोनों शहीद किसान नेताओं का जहाँ ये स्मृति स्थल बना हुआ है, वहीं पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? वहीं पर होगा कार्यक्रम तो। अच्छा, तो वहीं पर हर साल कार्यक्रम करते हैं, ये बड़ा कार्यक्रम है, वहीं पर होगा। एक इंटर तो इसको आपने जो 41वीं वर्षीय शहीद किसान नेताओं की, तो इसको आपने महापंचायत का रूप दिया है? हाँ, ये यानी महापंचायत, जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं तो वो महापंचायत ही हो जाती है, अगर कम लोग होते तो वो पंचायत हुई। अच्छा, और जो ज़्यादा लोग, हजारों लोग होंगे तो वो महापंचायत ही होती है। अच्छा, और श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे शहीदों को। अच्छा, तो हमारे श्रद्धांजलि सभा में जो वहाँ किसान पहुँचेंगे या भारतीय किसान यूनियन के लोग इकट्ठा होंगे, तो वहाँ ये किसान अपने जो आपने अभी बताई कि इन मांगों को वहाँ उठाया जाएगा, इन मांगों को उठाया जाएगा, एक ज्ञापन भी तैयार किया जाएगा, जो एसडीएम महोदय वहाँ लेने आएंगी, उनसे बात की जाएगी। अच्छा, ज्ञापन भी देंगे। हाँ, ज्ञापन भी देंगे इन मांगों को, क्योंकि हमारी आवाज आपके माध्यम से तो जाएगी, तो जो यहाँ उत्तराखंड सरकार है, केंद्र सरकार है, वो हम ज्ञापन के माध्यम से उनके तक भी पहुँचाएंगे। अच्छा, जैसे ये इस कार्यक्रम में पहली बार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी यहाँ पधार रहे हैं, इसमें श्रद्धांजलि सभा में भाग लेंगे, तो क्या इसमें जो है इस बार संख्या दूसरे जनपदों से या दूसरे प्रदेशों से भी आने ऐसा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी नरेश टिकैत जी के नाम से ही, जो हमारे पूरे उत्तराखंड से और जो साथ में हमारे जिले लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, वो ऑटोमेटिक किसान उनके नाम से ही आएगा। हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं तो वो किसान यूनियन के राष्ट्रीय लीडर हैं, उनके चौधरी नरेश टिकैत जी के नाम से ही आते हैं खुद ब खुद किसान। तो इस बार जो ये जो शहीद किसान नेताओं की बरसी का जो कार्यक्रम है, इस बार व्यापक कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं ना? बड़े बड़े स्तर का कार्यक्रम होगा। अच्छा, अच्छा। और इसमें सभी का सहयोग रहेगा। अच्छा, इसमें जो है तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने? तैयारी आज से ही चल पड़ी है। अच्छा, क्योंकि ये पर्चे छप चुके हैं। तो और आप जनसंपर्क अभियान चलाएंगे क्षेत्र में? हाँ, जनसंपर्क बहुत जोर शोर से चलेगा, जनसंपर्क अभियान, और वो चल पड़ा है जी, आज से चल पड़ा है, पर्चे छप गए हैं, कई हजार पर्चा छपा है, और जो स्पीकर लगा के उस पर ई रिक्शा के माध्यम से प्रचार किया जाएगा, और फोनों के माध्यम से भी, जो भी हमारी पूरी टीम, जो हमारे शहीद परिवार हैं वो तो हमारे साथ हैं ही, उनका हम सहयोग कर रहे हैं, वो तो हमारे जो आदरणीय संरक्षक मुख्य हैं ही, तो हमारी पूरी टीम जुट गई है तैयारियों में आज से ही, और ये बड़े स्तर का इन शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम होगा। मतलब ये कार्यक्रम आज तक का पहला कार्यक्रम होगा इतना बड़ा? हाँ, नहीं, कार्यक्रम तो पहले भी होते रहे, पर बड़ा कार्यक्रम इस बार से बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। तो देखिए, मैं अभी भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी से 25 नवंबर 1980 में गन्ना आंदोलन में शहीद हुए किसान नेताओं चौधरी हर्षरूप सिंह व कामरेड करण सिंह जो शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में 25 नवंबर को प्रतिवर्ष यहाँ उनकी वर्षी का आयोजन किया जाता है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार जो इस बार भी एक श्रद्धांजलि सभा का 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसकी व्यापक तैयारी शुरू कर दी है, तो इसमें भारतीय किसान यूनियन व अन्य संगठन और जो शहीद किसान नेताओं के परिवार के लोग हैं, वो लोग तैयारी में जुट गए हैं। अब मैं वार्ता करना चाहूँगा गन्ना आंदोलन में शहीद हुए किसान नेता चौधरी हर्षरूप सिंह जी के बड़े सुपुत्र श्री देवेंद्र सिंह जी से, वो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो वर्षी का कार्यक्रम है, 41वीं वर्षी है 25 नवंबर को, तो इसमें आप क्या इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है, नवंबर 1980 को चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में देशव्यापी गन्ना आंदोलन, गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा था। उसी संदर्भ में हमारे
प्रदेश में और हमारे ज़िले में, उस समय ज़िला नैनीताल था, उस समय हमारे यहाँ भी ये आंदोलन चला, और उस आंदोलन में ये हमारे दो किसान नेताओं की, जिसमें एक मेरे पिताजी भी थे और कॉमरेड करण सिंह जी थे, वो पहली शहादत किसानों के हक में ज़िला नैनीताल की पहली शहादत ये हुई थी, जिसको लोग भुला नहीं पाएंगे। और गन्ने का शहादत होने के बाद गन्ने का भाव भी बढ़ा, उस समय मुझे ठीक याद है 18 रुपए कुंटल गन्ने का भाव था आंदोलन से पहले, और जब आंदोलन समाप्त हुआ और ये शहादत हो गई तो 26 रुपए कुंटल गन्ने का भाव हुआ था, इतना मुझे याद है। और लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी जो समस्या उस समय थी, आज उस किसान के साथ वही समस्या है। किसान के साथ कोई भी न्याय नहीं हुआ है। आज आप धान की बात करिए, धान डाले हुए किसान को 1.5 महीना हो गया, आज तक पेमेंट नहीं है। गन्ने का पेमेंट किसानों का तमाम रुका पड़ा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए। हम काश्तकार जो है आज से कर्जा लेते हैं, खाद लेते हैं, तो हम पर आज से ब्याज शुरू हो जाता है, लेकिन हम जमा कहाँ से करें जब हमारा पैसा जो सरकार नहीं देती है। ये तो तमाम समस्या किसान की जस की तस हैं, किसान को कोई लाभ नहीं मिला। और आज एक सरकार ने ये वो चलाया है, बांटने का अभियान चला दिया, छोटा किसान बड़ा किसान, जबकि बड़ा किसान तो सक्षम है, वो तो MSP आज भी ले रहा है और फिर भी लेता रहेगा, लेकिन छोटा किसान जिसको इस सरकार भरमा दे रही है, छोटा किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, उसको MSP आज ना मिल रही है, ना मिली है, ना मिलेगी, क्योंकि वो तो अपना वो भरिए जाते हैं, गांव का व्यापारी छोटा छोटा वो जाता है, 2 क्विंटल 4 क्विंटल 10 क्विंटल 20 क्विंटल 15 क्विंटल उससे खरीद देता है, वो 1000-1200 में खरीदा और मिलों में उसने डाल दिया, 1500 या 1800 1500 1600 से ज़्यादा मिल वाले नहीं खरीद रहे हैं आज। तो ये कानून, गारंटी का कानून MSP पे बने, वो जो है जो सरकारी रेट है उस पर, चाहे वो छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, वो जो है उसी रेट पर खरीदे जो सरकार का रेट हो। तो देखिए, मैं अभी बात कर रहा था जो गन्ना आंदोलन में शहीद हुए किसान नेता चौधरी हर्षद सिंह के बड़े सुपुत्र श्री देवेंद्र सिंह थे, उन्होंने किसानों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेंगे। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप दोनों नेताओं से मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो देखो, श्रद्धांजलि सभा शुरू से ही उनको जो है ये 25 नवंबर 1980 से आज तक देते चले आए हैं, लेकिन ये श्रद्धांजलि सभा एक ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा होगी, क्योंकि इस सभा में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी भी आ रहे हैं और भी साथी उनके साथ आ रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक सभा होगी, एक ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा होगी। और हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे यहाँ किसान इकट्ठा हों और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँच कर उन्हें श्रद्धांजलि दें। तो सहोता जी, आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आपके ऊपर पूरे प्रदेश की इस समय जिम्मेदारी है, तो आप कुछ इस संबंध में किसानों से अपील करना चाहेंगे? हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो चुकी है, पूरे ज़िले से, प्रदेश से, हमारे हरिद्वार से भी किसान आएंगे, और मैं किसानों से अपील करूंगा, हमारे यहाँ लोकल के किसान भी, समस्या बहुत हैं, आएँ, ये किसानों का मंच है, हमारे किसानों ने जो शहादत दी है किसानों के लिए दी हैं, किसानों के प्रति दी हैं जो दिक्कतें थी, इसलिए उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए ज़रूर पहुँचें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो है हमें ये सुनहरा मौका है, आने वाले 5 स्टेटों के इलेक्शन है, तो जो हमारी मांगे जायज हैं वो सरकार को माननी पड़ेंगी, क्योंकि ये मौका है इसे मनवाने का सरकार से, तो सभी से अपील करेंगे कि वो ज़्यादा संख्या में इन हमारे दोनों महान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आएँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुने, तो यही मैं अपील सभी से करूँगा। तो देखिए, अभी हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी हैं, तो उन्होंने ये प्रदेश के सभी किसानों से अपील की है कि वो
जसपुर के पास स्थित नगर पंचायत मोहर डाबरा में 25 नवंबर को आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभा में जो शहीद किसान नेताओं की स्मृति में ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर और शहीद किसान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, आज भारत सरकार की महंगाई का हाल देखो, डीजल, गैस, पेट्रोल, खाने का तेल, दाल, सब्जी, तमाम चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। गरीब आदमी उसके पहुंच से बहुत दूर है, गरीब आदमी बहुत परेशान है, जबकि ये कहते हैं हमने 10-12 रुपए डीजल पे घटा दिए, 5 रुपए पेट्रोल पे घटा, उससे जब 100 रुपए अगर बढ़ा कर 10 रुपए घटा दें तो वो तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। आज महंगाई से सारी आबादी, सारी जनता त्रस्त है, जिसको सरकार के कितना भी विपक्ष उस पर चीख रहा है, भारत सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और ये इतना भी जो 2-4, 10-5 रुपए जो भी गिरा है ये भाव, ये भी मैं तो बधाई दूंगा जनता, वहाँ के हिमाचल प्रदेश की जनता को, जो उन्होंने सब इसे इस सरकार के अहंकार को तोड़कर इसका चूर कर दिया, जिसके कारण ये हमें 10-5 रुपए की जो है उसे कम हुए हैं। अच्छा, तो आप इन समस्याओं को जो 25 नवंबर को ये श्रद्धांजलि सभा शहीद किसान नेताओं की स्मृति में होगी, तो उसमें इन समस्याओं को आप उठाएंगे? मेन मुद्दा महंगाई का रहेगा, किसानों की श्रद्धांजलि तो श्रद्धांजलि सभा तो है ही शहीदों की, लेकिन ये महंगाई का भी मुद्दा रहेगा। आज किसान परेशान है, किसान का एनपीके का कट्टा 1450 का हो गया, कितना 1100 का था, हाँ, तो वो इतना रेट खाद पर बढ़ा दिया है, तो किसान तमाम मशीनरी है, ट्रैक्टर है, जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं सब जो महंगे होते चले जा रहे हैं। और किसान जो वहाँ का भाई है, मैं सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा रहा हूँ, मैंने खूब देखा है, अगर किसान के पास, मैं सोसाइटी का चेयरमैन रहा, अगर किसी किसान के पास इस बार 1 लाख रुपए कर्जा है तो उसके अगले साल जो उसके पास 1.5 लाख रुपए का कर्जा होगा, ये 90,000 का कर्जा नहीं होगा, वो कर्जा बढ़ेगा, ये मैं खूब देखा है, मैंने सोसाइटी में हर किसान की बात कर रहा हूँ। हाँ, कोई साइड बिजनेस है उसके साथ या नौकरी है तो बात अलग है, बहुत बुरी हालत किसान की है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि किसान जो है वो ये उसकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलने से कर्जा इनका बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो और कायदे में तो मैं समझता हूँ, इसमें हमने मांग भी की है अपने मांग पत्र में कि गन्ने का भाव कम से कम 450 रुपये कुंटल होना चाहिए, तब किसान को थोड़ा कुछ बचेगा इसमें। तो आपका मानना ये है कि फसलों का उपज का, किसान की उपज का वाजिब दाम न मिलने से वो कर्ज में दबता चला जा रहा है? हाँ, बिल्कुल कर्ज में दबता चला जा रहा है, क्योंकि उसकी जो फसलों में जो लागत आती है वो नहीं लौट पा रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं लौट पा रही, और यही इन सरकार की, भारत सरकार की यही सोच भी है कि ये हमारी किसानों की ज़मीन है, बड़े बड़े जो है उद्योगपतियों पर, बड़े बड़े घरानों पर चली जाए, और इन्हीं के हक में ये कानून बनाए गए हैं, जिससे कि जो है उनको ये फायदा पहुँचे सारी ज़मीन। और पहले भी देखा होगा आपने, पहले बिरला फार्म, टाटा फार्म, इन लोगों के पास तमाम ज़मीन थी, हमारे इस जसपुर ब्लॉक में भी फार्म थे इनके, बिरला फार्म था, आज तो वो खैर सब नहीं रहा, लेकिन ये फिर दोबारा से वही उसी स्थिति में लाने की जो है सरकार कोशिश कर रही है, और मोदी सरकार अहंकार में चूर हो गई है, और उसका अहंकार तोड़ना अब जनता को बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये यहाँ जसपुर के पास नगर पंचायत मोहर डाबरा में जो 25 नवंबर को शहीद किसान नेताओं की स्मृति में यहाँ जो श्रद्धांजलि सभा होगी, उसकी तैयारी के चलते आज ये हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी और शहीद किसान नेता चौधरी हर्षरूप सिंह के बड़े सुपुत्र श्री देवेंद्र सिंह जी ने जो किसानों की पीड़ा को यहाँ व्यक्त किया, और उन्होंने कहा कि ये श्रद्धांजलि सभा जो आयोजित की जाएगी उसमें किसानों की समस्याओं को उठाया जाएगा और सरकार से उन पर जवाब मांगा जाएगा,
यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।